आज है 30/1/91 का प्रातः क्लास, 10 नंबर के रजिस्टर में 77 पेज। गीत है तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। क्या कहा? आज कौन सी तारीख है? अट्ठाईस अप्रैल मई 92। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, कैसे मीठे बताए? अव्यक्त वाणी में बोला है किसमिस जैसे मीठे। कैसे मीठे? किसमिस जितनी मीठी होती है, ऐसे मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। कौन सा? तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। ये किसने कहा? बच्चों ने कहा। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, जरूर रूहानी, बाप ही कह सकते हैं रूहानी बच्चे, और बच्चे क्या कहेंगे? मीठे मीठे रूहानी बच्चे बाप ही कहते। अभी सन्मुख में बैठे और बाप बहुत प्यार से समझाए रहे। अभी माने कभी? कब? अभी मानो कब? हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर। अब तुम जानते हो सिवाय रूहानी बाप सर्व को सुख शांति व सर्व को इस दुख से लिबरेट करने वाला दुनिया भर में और कोई मनुष्य नहीं हो सकता। इसलिए दुख में बाप को याद करते हैं। तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो, जानते हो बाबा हमको सुखधाम के लायक बनाए रहे हैं। सदा सुखधाम का मालिक बनाने वाले बाप के हम सन्मुख आए हैं, और समझते हो सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वो ही कैसेट में वाणी सुनी जाएगी दूर रहकर के भी। हाँ, कैसेट जो है वो वाइब्रेशन नहीं पकड़ेगा। हाँ, कैसेट में हाव भाव नहीं होंगे, चैतन्य चित्र भी नहीं होगा। तो समझते हो सन्मुख सुनने और दूर रहकर सुनने में बहुत फर्क है। इसलिए गीत क्या चला आज? एक तो ये गीत चला मुरली में, वो तो पहले का हो गया, और आज का शिव साकार से मिलन मनाओ। तो मधुबन में सन्मुख आते हो। मधुबन में किस लिए आते हैं? सन्मुख मिलन मनाने के लिए। मधुबन मशहूर है। मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र दिखाया है। किन्होंने? भक्ति मार्ग वालों ने। तो कृष्ण का चित्र उन्होंने क्यों दिखाई दिया? जब कृष्ण तो भगवान होता नहीं, और चित्र उन्होंने कृष्ण का दिखाई दिया। बात संगम युग की कैसे है? हाँ, मधुबन में उन्होंने कृष्ण का चित्र जड़ चित्र रख दिया है, परंतु कृष्ण है नहीं, है सोल है, जड़ चित्र है। गुलजार दादी में जड़ वो चैतन्य सोल आती है, बाकी वो कोई कृष्ण नहीं है। वो जो आती है सोल, उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे या कृष्ण कहेंगे? हाँ, तुम बच्चे जानते हो इसमें मेहनत लगती है। इस बात को समझाने में मेहनत लगती है। अपने को घड़ी घड़ी आत्मा निश्चय करना है। मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। बाप एक ही समय आते हैं सारे चक्र में। ये कल्प का सुहावना संगम युग है, इनका नाम रखा है पुरुषोत्तम। यही संगम युग है जिसमें सभी मनुष्य मात्र उत्तम बनते हैं।
84 जन्मों में से उत्तम से उत्तम हमारा जन्म कौन सा है जिसमें हम उत्तम से उत्तम पार्ट बजाते हैं, जिसका शास्त्रों में गायन होता है और मंदिरों में मूर्तियां और चित्र बनते हैं। तो ये पुरुषोत्तम युग ही है जिसमें हम अपने उत्तम चेहरे को जान लेते हैं। तो बनेंगे तभी तो जानेंगे, वो जानेंगे तभी तो बनेंगे। अगर पहले जानेंगे ही नहीं, पहले निश्चय ही नहीं करेंगे तो फिर बनेंगे कैसे। अभी तो सभी मनुष्य मात्र की आत्मा तमो प्रधान है, सो फिर सत्व प्रधान बनती है। बल तमो प्रधान है, लेकिन तमो प्रधान होते हुए भी बुद्धि तो तीक्ष्ण है ना, तो बुद्धि की स्टेज से तो जान सकते हैं ना। तो भले तमो प्रधान तो सभी है जो फिर सत्व प्रधान बनती है। सत्व प्रधान है तो मनुष्य उत्तम होते हैं, तमो प्रधान होने से मनुष्य भी कैसे हो जाते, कनिष्ठ हो जाते। तो अब बाप आत्माओं को सन्मुख बैठ समझाते हैं। क्या बात सन्मुख समझाते हैं कि सारा पार्ट निष्कृष्ट हो, कनिष्ठ पार्ट हो और चाहे उत्तम पार्ट हो, आत्मा ही बजाती है न कि शरीर बजाता है। पार्ट कौन बजाता है? आत्मा बजाती है शरीर के द्वारा। शरीर तो पार्ट नहीं बजाता, पार्टधारी कोई शरीर नहीं है, पार्टधारी आत्मा है। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है कि हम आत्मा असुल में निराकारी दुनिया वह शांति धाम में रहने वाले हैं, असल और नकल में, नकल में इस देह की दुनिया और देह के संबंधों की दुनिया में रहने वाले हैं। और असल में कहाँ के रहने वाले हैं? शांति धाम। शांति धाम कहाँ है? जहाँ बाप आत्मिक स्टेज में रह करके वो शांति धाम का निर्माण करता है। इसलिए मुरली में बोला तुम बच्चे परम धाम को भी सृष्टि पर उतार लेंगे। तो असल में निराकारी दुनिया व शांति धाम की रहने वाली आत्माएं हैं, ये किसको भी पता नहीं है, न खुद समझा सकते हैं। तुम्हारी बुद्धि का अब ताला खुला है, तुम समझते हो बरोबर आत्मा परम धाम में रहती है। जो बाप का धाम है बड़े से बड़ा घर, बड़े से बड़ा घर किसका? बाप का। बाप परम पिता है तो उसका घर भी परम धाम है। तो बरोबर आत्मा परम धाम में रहती है कि शरीर रहते हैं, देह अभिमानी वहां नहीं रह सकते, उनकी बुद्धि बाहर भाग जाएगी। और आत्मा अभिमानी है तो बाप के पास रहते हैं। वह है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, हाँ, निराकारी दुनिया, यानी कॉर्पोरियल वर्ल्ड नहीं है। पांच तत्वों का शरीर नहीं, या पांच तत्वों की कोई भी चीज वहां नहीं है। और ये है कॉर्पोरियल वर्ल्ड, कौन सी दुनिया? जिस दुनिया में हम रहते, यहाँ सब आत्माएं एक्टर्स पार्टधारी हैं। पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं, फिर नंबर बार आते जाते हैं। सभी एक्टर्स इकट्ठा नहीं आते हैं, पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं। हम क्यों कहा, मैं क्यों नहीं कह दिया? दो पहले पहले हम पार्ट बजाने आते हैं। दो माने कौन? प्रजा पिता और बच्चे, फिर नंबर बार आते जाते हैं। अभी बताया कहां से आते हैं, परम धाम की स्टेज से। सभी एक्टर्स इकट्ठे नहीं आ सकते, आएंगे नंबर बार। भिन्न भिन्न प्रकार के एक्टर्स आते जाते हैं, सब इकट्ठे तब होते हैं जब नाटक पूरा होता है। अभी तुमको पहचान मिली है,
किस बात की? नाटक पूरा हुआ तो अभी तुम बच्चों को सन्मुख सुनने में बड़ा मजा आता है। इतना मजा मुरली पढ़ने से नहीं आता है जितना सन्मुख मुख के सामने सुनने में मजा आता है। यहाँ सन्मुख हो ना, कहा ये भी समझते हो भारत गाड़ गाड़ेस का स्थान था, अभी नहीं है। चित्र देखते हो, था जरूर, हम वहां के रहवासी थे, पहले पहले हम देवता थे। अपने पार्ट को तो याद करेंगे कि भूल जाएंगे? बाप कहते हैं तुमने ये पार्ट बजाया, ये ड्रामा है। नई दुनिया सो फिर जरूर पुरानी दुनिया होती है, बाप क्या कहते? तुमने यह पार्ट बजाया, अच्छा भी पार्ट बजाया और फिर बुरा भी पार्ट बजाया। जब सत्व प्रधान युग होता है तो सत्व की शूटिंग में श्रेष्ठ पार्ट, और जब तमो प्रधान युग होता है तो तमो प्रधान युग में आत्मा तामसी पार्ट बजाती, वो ही आत्मा। तुमने यह पार्ट बजाया तो ये ड्रामा है। इसमें कोई ये प्रश्न करने की दरकार नहीं है कि बाबा तो पहले कितने प्यारे थे, बहुत प्यार वाला, ये तो बाबा का पार्ट नहीं हो सकता। या कोई कहे कि मम्मा तो पहले ऐसी थी, ये तो मम्मा नहीं हो सकती, तो इस बात का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। या विश्व किशोर भाऊ तो पहले ऐसे थे, ये तो विश्व किशोर भाऊ का पार्ट नहीं दिखाई पड़ता। तो बाप कहते हैं तुमने ये पार्ट बजाया, ये ड्रामा है। कहता कौन है ये पहचान बाप ही देते हैं। नई दुनिया तो फिर जरूर पुरानी होती है, पहले पहले ऊपर से जो आत्माएं आती हैं वो गोल्डन एज में आती है। ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे, तुम्हारी राजधानी थी। जब थे महाराजा महारानी तो राजधानी किसकी थी? हैं? तुम्हारी है? अभी तो राजधानी है नहीं, किसकी? तुम्हारी नहीं तो किन की है? अभी रावण की है, रावण का राज्य है राजधानी दिल्ली में। ये कैसे? राम का कोई असर ही नहीं है, प्रभाव नहीं है, हैं? अभी राज्य नहीं है, युद्ध चल रहा है अभी रावण से। अच्छा, अभी तुम सीख रहे हो, अभी राजधानी है नहीं, अभी तुम राजधानी पर राज्य करना सीख रहे हो। मतलब रावण ने सीख लिया है, हैं? रावण ने राज्य करना राजधानी के ऊपर सीख लिया, हम सीख रहे हैं, हैं? हाँ, वो कर रहा है। हालांकि कैसे करना चाहिए ये तो रावण भी नहीं जानता। हम राजाई कैसे चलाएंगे ये तुम सीख रहे हो, वहां वजीर होते नहीं है। राजाई चलाएंगे कैसे? वहां वजीर नहीं होते हैं सलाह मशवरा लेने के लिए, क्योंकि वहां बुद्धि राजा की ही सत्व प्रधान होती है, तो किसी से दरकार राय लेने की नहीं होती। मतलब बाप ही होता है, अलग से कोई वजीर? अब बाप की तो बात मानी जाती, सलाह तो होगी, बाप है ना, बाकी कोई अलग से वजीर नहीं होगा। राय देने वाले की दरकार नहीं, कहां सतयुग में? वो तो श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ पे श्रेष्ठ बन जाते हैं, फिर इनको दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं रहती, दूसरे कोई से।
अरे बाप तो कौन हुआ, दूसरा हुआ, वो तो अपना हुआ। दूसरे कोई से राय लेने की दरकार नहीं, अगर कोई से राय ले तो समझा जाएगा इनकी बुद्धि कमजोर है। जो राय देता है उसी की बुद्धि, वो ही तीखी बुद्धि हो गई, फिर तो वो ही राजा होना चाहिए। अभी जो श्रीमत मिलती है वो सतयुग में भी कायम रहती है। अभी तुम समझते हो पहले पहले बरोबर इन देवी देवताओं का आधा कल्प राज्य था, अब तुम्हारी आत्मा रिफ्रेश हो रही है। ये नालिक परमात्मा के सिवाय कोई भी आत्माओं को दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। शांति धाम से यहां तुम टाकी बने हो, देही अभिमानी और आत्मा अभिमानी में अंतर क्या बताया? देही अभिमानी जो स्टेज होती है शांति धाम की, और टाकी जो स्टेज होती है वो कहाँ की होती है? कॉर्पोरियल वर्ल्ड, साकारी दुनिया की। तो अभी तुम क्या बन गए हो? बोल बोल करने वाले बहुत बन गए हैं। हाँ, साकारी स्टेज में आए गए हो। शांति धाम से यहाँ तुम टाकी बने हो, बहुत बोलता, तो समझ लो क्या हो गया, साकार दुनिया का साकार निवासी देह अभिमानी हो गया। और कम बोलता या बिल्कुल ही नहीं बोलता, सिर्फ इशारे से, तो उतना ही आत्मा अभिमानी हुआ, शांति धाम का वासी हुआ। इशारे से क्या सूक्ष्म मतन नहीं, स्वर्ग में, स्वर्ग में इशारे की भाषा होगी, बाकी सूक्ष्म पतन में तो सूक्ष्म वाइब्रेशंस की भाषा है। स्वर्ग में देह होगी, इशारे से बात होगी, वहाँ ज्यादा बात तो नहीं करते क्योंकि वहाँ शांति बहुत होगी। जब मन से मन मिल जाता है तो ज्यादा बात करने की दरकार नहीं रहती, और जब मन से मन में भेद होता है तो फिर बात और लड़ाई बातचीत ज्यादा चलती है। तो शांति धाम से यहाँ तुम टाकी बने, यहां में और शांति धाम में ये अंतर पड़ गया। अब तुम्हें बनना कहाँ का वासी है? बाप के घर का वासी बनना है। टाकी होने बिगर कर्म हो नहीं सकता क्या? अगर कर्म करना है तो कुछ न कुछ काम करना के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़े। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। जैसे बाप में सारा ज्ञान है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी ज्ञान है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ संस्कार अनुसार फिर दूसरा शरीर लेती, पुनर्जन्म भी जरूर होता है। आत्मा को जो भी पार्ट मिला हुआ है वो पार्ट आत्मा बजाती रहती है संस्कारों अनुसार, दूसरा जन्म लेते रहते हैं दूसरा भी। आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है क्या? जितने जितने जन्म लेते जाते, जन्म मरण के जितने ज्यादा चक्कर में आएंगे उतनी ही प्योरिटी की स्टेज कम होती जाएगी। माना जितना निश्चय अनिश्चय के चक्र में आएंगे उतनी ही पवित्रता की पावर कम होती जाएगी। तो इसका मतलब कोई ऐसी भी आत्मा होगी जो निश्चय अनिश्चय के चक्र में ना आती हो तो उसके ऊपर असर भी इम्प्योरिटी का कम पड़ेगा। अनिश्चय का फाउंडेशन पड़ता कब है? नहीं, इम्प्योरिटी कहाँ से आती है? संगठन की कमी, इम्प्योरिटी होगी तो यूनिटी कमी हो ही जाएगी। लेकिन अनिश्चय कहाँ से आता है? बाप के पास से आता है। अनिश्चय जो हो जाता है बाप के पार्ट पर ही सही, तो कैसे आता, कहाँ से आता संशय? कैसे आता, कहाँ से आ जाता? हाँ, संघ का रंग या तो बुद्धि से या वाचा से या दृष्टि से या वाइब्रेशन से लगता है, और लगता है तो संशय आ जाता है। तो आत्मा की दिन प्रतिदिन प्योरिटी की डिग्री कम होती जाती है जितने जितने जन्म मरण के चक्र में आते जाते हैं।
उतना उतना प्योरिटी की पावर कम होती जाती है। तो शूटिंग पीरियड में इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखने का है क्या, ये जो निश्चय एक बार कर लिया उस पर अटल रहे। जितने हम अटल रहेंगे उतनी प्योरिटी की पावर हमारे अंदर बनी रहे। और अटल कब रहेंगे, जब एक के अलावा किसी दूसरे का संग का रंग न लगाए। पतित अक्षर द्वापर से काम मिलाते हैं। सत्युग त्रेता में ये नहीं कहेंगे क्या, पतित क्यों क्यों पतित नहीं होते, दो दो कलाएं कैसे कम होती जाती हैं? पुनर्जन्म आते होता है तो कलाएं कम होती है ना, है तो कुछ न कुछ आत्मा डिग्रेड पतित तो होती है ना। पतित माने गिरना, कुछ न कुछ तो गिरावट आती है, है? तो फिर पतित अक्षर द्वापर से काम में क्यों लाते, पहले ही हो जाना चाहिए। नहीं, सत्युग त्रेता में जो संग का रंग है पति पत्नी के रूप में, वो किसी और का दूसरी आत्मा का नहीं लगता है। 21 जन्म लगातार एक का ही संग रहता है, इसलिए वहाँ पतित नहीं कैसे, यानी व्यभिचार वहाँ पैदा नहीं होता। और ये व्यभिचार कहाँ से पैदा होता है, द्वापर, द्वापर से ये व्यभिचार पैदा होता है, तभी से पतित अक्षर शुरू हो जाता है। तो इसलिए पतित द्वापर से कहा जाता है। सत्युग त्रेता में पतित अक्षर नहीं कहेंगे। पतन कब हुआ, जब कोई दूसरा घुस पड़ा। फिर भी थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ता है, भले पतित अक्षर नहीं है लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दुनिया है, दुनिया तो नीचे की तरफ जाती ही है। सृष्टि का जो क्रम है वो तो ऊपर से नीचे की ओर है। सत्व प्रधान सत्व सामान्य रजो और तमो, चार अवस्थाओं से सृष्टि को गुजरना ही है। तो कुछ न कुछ तो गिरावट होगी, लेकिन ज्यादा गिरावट ऐसी नहीं होगी जो दिखाई पड़े। ये कब होती है, पतन होता है द्वापर से। द्वापर से तुम नया मकान बनाओ, एक मास के बाद कुछ फर्क जरूर पड़ेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि एक मास के बाद मकान पुराना हो गया तो उसे छोड़ दें, है? सो थोड़ा ही छोड़ दिया जाएगा। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, बाप कहते हैं हम आए हैं तुम बच्चों को वर्षा देने। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना पद पाएगा। इस बात का, स्वर्ग का वर्षा लेने का, जितना जो पुरुषार्थ करेगा नरक का नहीं कहा है। तो द्वापर कलयुग में भी प्राप्ति तो होती है, राजाएं तो वहां भी बनते हैं, लेकिन वो सत्युग त्रेता के आधार पर, सत्युग त्रेता की प्राप्ति के आधार पर 63 जन्मों का भी हिसाब किताब बन जाता है। तो असली प्राप्ति कहाँ की हुई, सत्युग त्रेता की। तो सत्युग त्रेता का जो पुरुषार्थ है, जिस जो किया, वो तो संगम युग में परमात्मा ने कराया। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा, किस बात का, प्योरिटी को कायम रखने का, संग के रंग से बचने का, उतना उतना पद पाएगा। बाप के पास कोई फर्क नहीं है क्या, यानी कोई ये कहे कि बाप जो है इस आत्मा के साथ ज्यादा पक्षपात कर रहा है और हमारे साथ, हमारे हमारे साथ जो है परमात्मा जो है अन्याय कर रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ तो न्याय अन्याय बाप नहीं करते हैं, लेकिन आत्मा की अपनी मुट्ठी के अंदर है अपना भाग्य। चाहे तो, क्योंकि परमात्मा ने बता दिया कि जितनी तुम प्योरिटी का पुरुषार्थ करोगे उतनी तुमको प्राप्ति होगी, और जितने व्यभिचारी बनने का मनसा में आएगा या वाचा में आएगा या कर्मणा में आएगा, तो उतना तुम्हारा
प्योरिटी की शक्ति छीण होगी और तुम्हारा पद नीचा हो जाएगा। बाप जानते हैं हम आत्माओं को पढ़ाता हूं, आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेने का, इसमें मेल फीमेल की दृष्टि नहीं रहती है क्या? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हाँ, यहाँ बाप की दृष्टि ये नहीं रहती कि ये मेल है ये फीमेल है, तो मेल को वर्षा बच्चे को वर्षा ज्यादा दिया जाए और फीमेल को वर्षा कम दिया जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी आत्मा ब्रदर्स हैं, तुम सब बच्चे हो, बाप से वर्षा ले रहे हो, ब्रदर्स को बाप पढ़ाते हैं वर्षा देते हैं, बाप ही रूहानी बच्चों से बात करते हैं, हे लाड़ले मीठे सिकील दे बच्चों, तुम बहुत समय पार्ट बजाते बजाते अब फिर आकर के मिले हो अपना वर्षा लेने के लिए। आत्मा अविनाशी है, इसमें अविनाशी पार्ट नोधा हुआ है, शरीर तो बदलता रहता है, बाकी आत्मा सिर्फ पवित्र से अपवित्र बनती है, पति तो बनती है, सत्युग में है पावन। इसको कहा जाता है पतित दुनिया, जब देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, हैं? राज्य किसका था? देवताओं का राज्य था तो दुनिया भी वॉइसलेस थी, निर्विकारी थी, और असुरों का राज्य है रावण राज्य भी, तो दुनिया कैसी है? विकारी। तो अब कौन सी दुनिया बनानी है? असुरों वाली दुनिया के राज्य में रहना है या देवताओं वाली दुनिया में रहना है? अगर देवताओं की दुनिया में मन बुद्धि से रहेंगे तो सारी दुनिया सुखी हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारा पुरुषार्थ की उंगली और सारी दुनिया के लिए सुख और शांति, थोड़े समय के लिए त्याग और प्राप्ति, खुद को भी अनेक गुनी और दुनिया की सब आत्माओं को जो त्राह त्राह कर रही है उनके लिए भी अनेक गुनी प्राप्ति। तो देवताओं का राज्य था तो वॉइसलेस वर्ल्ड थी, अभी नहीं है, तो ये खेल हुआ ना, नई दुनिया को पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया फिर नई दुनिया, ये चक्कर चक्कर चलता ही रहता, तो चलना नहीं है, चलना ही है, यानी शूटिंग पीरियड में हम ये चक्कर चलने ही दें, है? क्यों नहीं रोक सकते? हमारे हाथ में बात नहीं हो गई, निश्चय बुद्धि विजयंती है, निश्चय बुद्धि विनश्यंती, जब हमें पता लग गया, तो ये तो अपना अपना धारणा की बात है कि जो जितना निश्चय को कायम रखने के लिए पुरुषार्थ करेगा, एक बाप दूसरा न कोई, तो उतना ज्यादा उतने अधिक जन्मों तक पवित्रता की स्टेज को धारण किए रहे। क्योंकि बाबा ने बोला तुम बच्चे सबसे जास्ती सब धर्मों से जास्ती सुख तुम्हारे धर्म में है, तुम बच्चे सबसे जास्ती सुख भोगते हो, तो जो देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा है उनमें भी तो नंबर वार है, कोई तो ऐसी भी आत्माएं होंगी जो 82-83 जन्म तक भी सुखी रहेंगी, क्यों रहेंगी, कारण क्या? उनकी स्टेज अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने अनिश्चय और निश्चय के चक्र में ज्यादा चक्र नहीं लगाया, न लगाने का कारण क्या हुआ कि संघ का रंग चेंज नहीं किया, एक बाप मिल गया तो एक बाप दूसरा न कोई। तो 22 लक्ष वर्ल्ड थी, अभी नहीं है, ये खेल है, दुनिया को पुरानी पुरानी से नई दुनिया बनना ही है, भले शूटिंग का चक्कर चल रहा है हमें मालूम भी है, लेकिन फिर भी हम क्या पुरुषार्थ करें, हम जो है वो नई दुनिया ही बनाने का पुरुषार्थ करें, ये नहीं कि पुरानी दुनिया तो बननी है तो फिर आराम से नीचे सरक जाओ। अभी सुखधाम स्थापन होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहेंगी, अब ये बेहद का नाटक अगर पूरा हुआ सब आत्माएं मच्छरों में सल जाएंगी, क्या कैसे जाएंगी? मच्छरों सदस्य, मच्छरों सदस्य क्यों कहते हैं, और कोई कीड़ा मकोड़ा क्यों नहीं कह दिया है? हाँ, क्योंकि झुंड जो है मच्छरों का ढेर सारा उड़ता है, मच्छरों सदस्य जाएंगी, और मच्छर की कोई कीमत
की बता नहीं है? मच्छर काटता फट से हाथ वहां पहुंच गया, मर गया बेचारा, मर गया तो मर जाए तो मतलब आत्मा जो है बिल्कुल निरहंकारी स्टेज में छोटे रूप में हो जाती है। मच्छरों में सल जाएंगे इस समय, कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? जैसे मच्छर की कोई वैल्यू नहीं, फट से मार देते हैं, वैसे ही हाँ जो आत्माएं हैं जब आत्मिक स्टेज में हो जाती है तो आत्मा की वैल्यू, फिर कोई वैल्यू आत्मिक स्टेज की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये समय है क्या कि इस समय कोई भी आत्मा आए तो पतित दुनिया में उनकी क्या वैल्यू होगी? अभी इस दुनिया में कोई उनकी वैल्यू नहीं है, वैल्यू उनकी है जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं। इस दुनिया में जो सबसे पहले दुनिया में आएगा उसकी वैल्यू है, और पहले कौन आएगा है? से के कैनवे का प्रातः क्लास दूसरे पेज का मध्यादि 78 पेज दिसंबर के रजिस्टर में। तो पहले पहले जब हम नई दुनिया में आते हैं तो वैल्यू उनकी है जो पहले पहले आते हैं। तो पहले पहले कौन आते हैं? पहले पहले तो लक्ष्मी नारायण, फिर 8, फिर 108, फिर 16,000, और फिर 4.5 लाख प्रजा। तो तुम जानते हो जो नई दुनिया थी वो फिर पुरानी बनी। तो मच्छरों जैसी वैल्यू करानी है क्या? वैल्यू कौन सी होनी चाहिए? जो पहले पहले आने वाली आत्माएं हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो जास्ती सुख भोगने वाली है। नई दुनिया में हम देवी देवता थे, वहां दुख का नाम नहीं था, यहाँ तो अथाह दुख है। बाप आकर के दुख की दुनिया से लिबरेट करते हैं। ये पुरानी दुनिया बदलनी जरूर है, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन होता है। भक्ति मार्ग को रात और ज्ञान मार्ग को दिन कहा जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठोकरें खाते हैं, ज्ञानी है बाप को पहचानने वाले हैं तो ज्ञानी हुए, अपनी आत्मा के स्वरूप को निश्चय करने वाले हैं तो ज्ञानी हुए। ज्ञानी किसे कहा जाए? ज्ञानी को किस बात का ज्ञान होता है? आत्मा और परमात्मा एक होती है, सामान्य नॉलेज आत्मा परमात्मा की, कि मैं आत्मा बिंदी और मेरा परमात्मा बाप बिंदी, वो तो सब आत्मा बिंदी परमात्मा बाप बिंदी, तो इसमें क्या विशेष नॉलेज हो गई? विशेष नॉलेज क्या कि मैं आत्मा कौन सा विशेष पार्ट बजाने वाली हूं, और मुझ विशेष पार्ट बजाने वाली आत्मा को विशेष पार्टधारी किसने बनाया, कैसे बनाया, कब बनाया, वो पूरी नॉलेज बुद्धि में आ जाए तो हुआ ज्ञानी। और अगर ये बात भूल जाए तो हो गया अज्ञानी। अज्ञान कहां से आता है? रावण से। और ज्ञान कहां से आता है? बाप से। तो अज्ञान है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग में मनुष्य ठोकरें खाते हैं। ठोकर खाना मन दर दर के धक्के खाते हैं। ज्ञान अर्थात दिन में एक भी ठोकर नहीं दिखाई पड़ता है। बाहर तो सुख ही सुख है, तुम समझते हो बरोबर हम सतयुग के मालिक थे, फिर 84 जन्मों के बाद ऐसे बने हैं? कैसे ऐसे पतित बने हैं? अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, तो हम क्यों ना अपने को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करें? क्या निश्चय करें? आत्मा।
कि हम बिंदी हैं, बस हाँ ये निश्चय करें कि हम कौन सी कैटेगरी की आत्मा है। कम से कम इतना तो निश्चय पहले कर लें, क्या कि दर्शवा ये जो धर्म है खास खास उनमें से हम कौन से धर्म विशेष की आत्मा है। हम हैं देवी देवता सनातन धर्म की विशेष आत्मा। जब देवी देवता सनातन धर्म की विशेष आत्मा है तो 84 जन्म लेने वाले हैं या कम जन्म लेने वाले हो? जो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं वो पहले पहले आते हैं, वो ज्यादा सुखी रहेंगे दूसरे धर्म वालों के मुकाबले। उनका सुख कम हो जाएगा। और दूसरी बात, हाँ यही नहीं कि 84 जन्म लेने वाले, 84 जन्म लेने वालों में तो प्रजा भी होगी, प्रजा वर्ग की बात नहीं। हम तो हाँ बाप राजयोग सिखाने आए हैं, इतनी हमने मेहनत की किस बात के लिए, कि प्रजा बनने के लिए है। प्रजा बनने वाली तो आत्मा है, वो भी हो जाती है जो सिर्फ एक दिन प्रदर्शनी सुनती है, ज्ञान सुनती है और चली जाती है, कोई पुरुषार्थ नहीं करती। वो भी बाप के सामने एक बार सुन लिया तो वो भी प्रजा में आ जाएगी। फिर तो ये कोई ये कोई उन्होंने पढ़ाई नहीं पढ़ी, पढ़ाई किस बात की है, राजा ही प्राप्त करने की। तो बैरिस्टरी पढ़ी, डॉक्टरी पढ़ी जिंदगी भर, और न बैरिस्टर बने न डॉक्टर बने, तो सारी पढ़ाई बेकार गई ना। तो तुम समझते हो बरोबर हम सत्युग के मालिक थे, 84 जन्मों के बाद अब हम ऐसे बने। अब फिर बाप कहते हैं मुझे याद करो, अपन को आत्मा निश्चय कर और बाप को याद करो, यानी विशेष आत्मा हम अपने को निश्चय कर लें। क्या विशेष आत्मा? कि हम देवी देवता सनातन धर्म के सिर्फ 9 लाख या 4.5 लाख में आने वाले नहीं है, लेकिन पहले पहले आने वाले। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, है क्या? बहुत करनी पड़ेगी कि मूड़े भी चढ़े रहे चंद्रमा की तरह। कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजा ही पाना कोई सहज थोड़े ही है। पार्वती अम्मा को ये विशेष ईर्ष्या होती थी कि हम तो इनकी पत्नी है, हमको बैठा दो नीचे गोद में, और गंगा जी को और चंद्रमा को बैठा दो मुंह पे मुड़ बताओ मस्तक को बैठा लिया। क्यों ऐसा क्यों किया, ये दो बात क्यों की? सारी जिंदगी की चिर संगिनी बनी पार्वती बिचारी है, जन्म जन्मांतर की, और बैठाए किसको दिया मुड़ में, गंगा जी को और चंद्रमा जी को। ऐसा है जो गोद में दिखाई देगा ना? अच्छा गोद वाली दिखाई देगी, अरे जो मूड पे चढ़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। ये तो वही बात हो गई जैसे दुर्योधन के सामने कृष्ण जी पहुंचे, ओ कृष्ण जी के सामने दुर्योधन पहुंचा तो दुर्योधन जो है सर की तरफ खड़ा हो गया, अर्जुन पांव की तरफ खड़ा हुआ था, तो नजर पहले पड़ी जो पांव के सामने खड़ा हुआ था और जो सर पर खड़ा हुआ उसके ऊपर बाद में नजर पड़ी। तो भगवान की प्राप्ति पहले किसने कर ली? अर्जुन ने कर ली, और उनको फिर दुनिया भी मान मर्तबा मिल गया, दुनिया भी धन दौलत मिल गई, दुनिया की सेना मिल गई, अर्जुन को भगवान, अब भगवान एक तरफ और सारी दुनिया एक तरफ, जीत किसकी होगी? भगवान, तो भगवान की होगी। तो कुछ तो मेहनत करनी होगी ना, राजा ही पाना कोई सहज थोड़ा ही है, बाप को याद करना है। ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुलाए देती, इसका बंदर है ये माया का बड़ा भारी बंदर है। हाँ, हाँ,
जो घड़ी घड़ी तुमको भुलाए देती है। तो माया को संग मत करो। क्या कहा? माया का संग करो। संग किसका करें? बाप का करो। माया को क्या कहते हैं बाप? एक तो मौसी कहते हैं और दूसरा कहते हैं बेटी। माया को बेटी कहते हैं। और बेटी हो तो बेटी और करे क्या, और नजर उसकी खराब हो जाए तो माया हुई ना। है बेटी और नजर उसकी खराब हो गई तो माया बेटी। तो ऐसे माया बेटियों का संग कम करो ना। किसका संग करो? बाप का संग करो। तो ये माया का वंडर है जो घड़ी घड़ी तुमको बुलाए देती है। आई हाय, ज्ञान कौन समझेगा? उसके लिए उपाय रचना चाहिए। है कि माया बेटी जो है हमको घड़ी घड़ी न बुला सके। क्या उपाय करें भाई? हैं? हाँ, ऐसे नहीं सिर्फ मेरा बनने से याद जम जाएगी। सरेंडर तो ढेर होते हैं, 16,000 सरेंडर हो जाएंगे एक दिन। तो क्या 16,000 सरेंडर हो जाएंगे? सरेंडर होना कोई बड़ी बात बड़ी बात नहीं है। हाँ वो भी ठीक है, सरेंडर होंगे नहीं, बाप के बनेंगे नहीं तो पद भी नहीं, क्योंकि बाप के जो प्रैक्टिकल में बनेंगे वो ही पद पाएंगे, बनेंगे ही नहीं तो पद भी नहीं पाएंगे। तो सरेंडर होना भी अच्छी चीज है, लेकिन सिर्फ कोई ये समझ ले बस सरेंडर हो गए बस उसी से सब कुछ हो जाएगा, शोर नहीं हो सकता। तो माया हमको घड़ी घड़ी न बुलाए उसके लिए उपाय रचना चाहिए। क्या उपाय रचेंगे? हाँ, एक का संग और दूसरे कोई का संग न करें, न मनसा में, न वाचा में, न कर्मणा में, न दृष्टि में, न वृत्ति में। तो ऐसे नहीं मेरा बनने से आरती जम जाएगी, बाकी पुरुषार्थ क्या करेंगे? हैं कि भाई हम तो बाप के बन गए, बाकी क्या पुरुषार्थ करें बताओ? अब तो हम बन गए बाप के। हाँ नहीं, जब तक जीना है बाप का ही, एक बाप दूसरा ना कोई, ये बनने का पुरुषार्थ करना है। ज्ञान अमृत पीते रहना है। किससे? बाप से। बाप का बनना तो ज्ञान अमृत तो कहीं भी रह के पीते रहेंगे। अब तो कैसेटें भी बनने लगी हैं। पहले तो कैसेटें बनती थी, तब फिर टेप रिकॉर्डर इतने बढ़िया नहीं थे, तो बाबा की आवाज बाओ 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 बाओ, एक तो बूढ़ा बाबा तो बात ही नहीं समझ में आती थी, और दूसरे फिर देहधारी धर्म गुरुओं ने कैसेटें भी छुपाए दी, तोड़ पड़ो और फेंक दी, वो मिलती नहीं है ओरिजिनल। अब तो ओरिजिनल सन्मुख। हाँ बाद में टेप रिकॉर्डर जब से आया तब से ये कैसेटें उनकी कापियां निकलने लगी। पहले शॉर्ट हैंड किया जाता था जब कैसेट टेप रिकॉर्डर नहीं था, बाद में कैसे ढोने लगी। तो जब तक जीना है पुरुषार्थ करना है, ज्ञान अमृत पीते रहना है। तो ज्ञान अमृत तो कहीं भी पिया जा सकता है। क्लास में लाएंगे पढ़ेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे। क्लास तो कहीं भी सेंटर में किया जा सकता है। हाँ, सन्मुख का जो महत्व है, जो असर सन्मुख में पड़ेगा वो असर दूसरी जगह नहीं पड़ सकता। ये भी समझते हो हमारा ये अंतिम जन्म है, इस शरीर का भान छोड़ देही अभिमानी बनना है। अंतिम जन्म में देह अभिमानी होंगे कि देही अभिमानी होंगे? ऐसे थोड़े ही कि अंतिम जन्म है तो हम आत्मा अभिमानी होंगे। देह अभिमानी तो सब आत्मा अंतिम जन्म में होंगी ही होंगी। ग्रस्त विवाद में भी रहना है, पुरुषार्थ जरूर करना है।
किस बात का? एक बात, सिर्फ अपने को आत्मनिश्चय कर, बाप को याद करो, तुमेव माता च पिता तुमेव, क्या पुरुषार्थ करो, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा बाप है। क्या क्या लिखा? शब्द जब सुनाते हैं तो उसमें भी ये कहते हैं। क्या शब्द कहते हैं? क्या तो हवाला नहीं, तो हवाला दो तो बताओ। ये तो संस्कृत की श्लोक है, तुमेव माता च पिता, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु च सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। तो तुमेव माता च पिता यानी तुमसे ही मेरे सर्व संबंध हैं, कोई दूसरे से संबंध नहीं है, मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो याद करो, ये सब है भक्ति मार्ग की महिमा। वो तो भक्ति मार्ग में ऐसे ही कहते रहते हैं, तुम एक से संबंध तो जोड़ते नहीं, क्योंकि संबंध तो साकार में होगा या निराकार में हो जाएगा? संबंध तो शरीर से होता है, निराकार में कैसे हो जाए? निराकार का तो सिर्फ एक ही संबंध है, आत्मा बच्चे और परमात्मा बाप, भाई बहन का भी संबंध नहीं बनता। तो ये जो भक्ति मार्ग में महिमा करते आए हैं, तुमेव माता च पिता, ये तो सिर्फ भक्ति मार्ग की हाँ महिमा है, बाकी प्रैक्टिकल कहाँ होता है? प्रैक्टिकल यहाँ ज्ञान मार्ग में होता है। ये प्रैक्टिकल बात यहाँ की है कि तू ही मेरा माता पिता सर्व संबंधी तू ही है, तुमको सिर्फ एक अलफ को याद करना, एक ही मीठी सैक्रीन है। हाँ, ये नहीं अलफ के साथ फिर बेबी जोड़ दो, अलफ कौन और बे कौन? कौन है ब्रह्मा बादशाह और अलफ प्रजापिता, अल्लाह माने सबसे ऊंचा, अल्लाह माने अव्वल पहला, बाकी बिंदु तो बिंदु है, नुक्ता है, उसको अल्लाह और बे पे पेटते से इन अक्षरों की गिनती भी नहीं कहेंगे। तो एक ही मीठी सैक्रीन है, और सब बातें छोड़ सैक्रीन हो जाओ, जैसे सैक्रीन में सारा सार समय हुआ होता, ऐसे इस सारे झाड़ की सैक्रीन कौन हुआ? प्रजापिता। सारी मनुष्य सृष्टि का जो सैक्रीन है वो एक बीज हो गया, तो उसमें समा जाओ। अभी तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान बनी है, उनको सत्व प्रधान बनाने याद की यात्रा में रहो। सबको यही बताओ, बाप से सुख का वर्षा लो, सुख होता ही है सतयुग में, सुखधाम स्थापन करने वाला बाबा है, बाप को याद करना है, ये है बहुत सहज। क्या है तो सहज राजयोग, लेकिन फिर कठिन क्यों हो जाता है? है तो बहुत सहज है, परंतु माया का अपोजिशन बहुत है। ये बेटियां कहा, ये बेटी कहां से आएगी? है परंतु माया का अपोजिशन बहुत है, इसलिए कोशिश कर मुझ बाप को याद करो। ये बेटी, ये बेटी का संग जो है नहीं, निकाल के बाहर फेंकने की बात नहीं कही, नहीं निकाल के बाहर फेंकने की बात नहीं कही, ये नहीं कहा कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकारी को छोड़ दो या अहंकारियों को छोड़ दो, कामी क्रोधियों को छोड़ दो, लेकिन उनको कन्वर्ट करना है, हाँ उनको बदलना है। क्या बदला न लो उनसे, लेकिन उनको भी बदल के दिखाना है, तो इसका मतलब उनको फेंक देंगे निकाल के अपने मन से निकालेंगे, हाँ नहीं याद नहीं करना है, उनका संग का रंग अपने में नहीं लाने देना है। संग का रंग लगे तो किसका लगे? एक सैक्रीन का, बाप का।
तो कोशिश कर मुझ बाप को याद करो, कोशिश किस बात की, बाप को याद करने की और माया को भुलाने की, तो खाद निकल जाएगी। जो खाद पड़ी हुई है दूसरे मैटर की खाद जो पड़ गई है, जैसे दूध में पानी मिल जाता है तो वो भी दूध के लिए खाद हो गई, तो जो खाद पड़ी है वो निकल जाएगी। हाँ, सेकंड में जीवन मुक्ति गाया जाता है। हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं, वहां के रहने वाले हैं, फिर हमको अपना पार्ट रिपीट करना है। इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है। क्या कहा है, क्या बोला, इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है और सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। जो हमको कौन है, 84 जन्म पूरा लेने वाले 9 लाख है, समझे, वो सबसे ज्यादा है, उनमें सबसे ज्यादा नहीं कहा जा सकता। क्यों सूरज भाई, 9 लाख में सबसे ज्यादा नहीं कहा जा सकता है। ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती 9 लाख का पार्ट है, उससे जास्ती किसी का नहीं है। हमारा में 9 लाख आ गए है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। फिर अगर हमको 9 लाख आ गए जो सबसे जास्ती सुख पाने वाले, फिर ऐसा क्यों कहते हैं आधा में जा आधा में रहिए। आधा सुख तो राजा ही भोग लेता है और आधे में सारी प्रजा को बांट देता है, तो फिर सबसे जास्ती 9 लाख सुखी हुए, सबसे जास्ती 9 लाख थोड़े ही सुखी होंगे, उनमें भी नंबर है, हिसाब है। जो राज घराने की आत्मा है वो ज्यादा सुख भोगने वाली है, क्योंकि उन्होंने राजयोग सीखा है बाप का बंद करके। हाँ, 16,000 और 16,000 में भी जो राजा बनने वाली हैं, एक तो सिर्फ राजयोग सीखा, राजा नहीं बने या रानी नहीं बनी, और एक है सीखा भी और बने भी, तो वो है 108 युगल मण के जो राजा रानी बनते हैं। फिर उनमें भी नंबर वन, उनमें भी नंबर वन। हाँ, कोई किस धर्म का, कोई किस धर्म का बीज। तो ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, हमारा देने वाला कौन हुआ फिर, एटलीस्ट आखिर में कौन हुआ हमारा कहने वाला। हाँ, हमारा पार्ट का मतलब विष्णु में जो आत्माएं आती हैं, विष्णु फरिश्ता, वो सारे ही वैष्णव कुल के हो गए। तो वैष्णव कुल के मुखिया कौन कौन आत्माएं हुई, 4 आत्माएं हो गई, कौन कौन सी, ब्रह्मा, सरस्वती, सरस्वती तो लास्ट में आई, लक्ष्मी नारायण बाद में आई और पहले चली गई, बीच में आई बीच में ही चली गई, राम कृष्ण और सीता, और सीता और राधा, राधा सीता और राम कृष्ण, ये 4 आत्माएं जो हैं, और उनको चारों को चलाने वाली आत्मा वो कौन, चारों को चलाने वाली भी विष्णु में 4 भुजाएं हैं, भुजाओं को चलाने वाला भी तो कोई है, बाप, बाप को विष्णु कहेंगे, बाप तो बाप है, गॉड फादर इज वन, बाप सिर्फ आत्माओं का ही बाप होता है, मनुष्यों का बाप नहीं है कोई, तो जो मनुष्यों का बाप है वो सबको चलाने वाला है। बाकी 4 आत्माएं हुई, लक्ष्मी के साथ नारायण और राम के साथ सीता, तुम्हें पता ही नहीं है कि सत्युग में जाकर के राम कौन बनेगा, वो त्रेता में जाकर राम कौन बनेगा,
तो फिर तो ये तो पढ़ाई का आगे चल का आगे का चक्कर है, जो समझते जाओ। राम की आत्मा तो सीता बन जाएगी। वो त्रेता की बात मत करो, सतयुग त्रेता की तो शास्त्रों में हिस्ट्री नहीं है, यहाँ की बात समझो। पहले इस ड्रामा के अंदर सबसे जास्ती हमारा पार्ट है, सुख भी सबसे जास्ती हमको मिलेगा। किनको मिलेगा? हमको। बाप कहते हैं तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है और बाकी सब शांति धाम में चले जावे, जितने भी हैं ऑटोमेटिकली चले जाएंगे हिसाब किताब चुक तू कर, जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? यानी दूसरे धर्मों के विस्तार में हम क्यों जाएं? हम मारने कौन है? पहले तो चार, जो राम सीता वाली आत्मा या राधा कृष्ण वाली आत्मा, उनको ज्यादा विस्तार में जाने की दरकार नहीं है। और ये बोल कौन रहा है? बाप बोल रहा है। बाप में भी कौन सा बाप? किसके लिए ये बात लागू होगी? हम किसने कहा है? कहा तो शिव बाबा ने, लेकिन शिव बाबा ने कहा तो प्रजापिता तो जरूर आ गया उसने। ऐसे तो नहीं हो सकता कि प्रजापिता के बगैर शिव बाबा कह देगा। तो एक बाप और इसके अलावा चार आत्माएं और, ये टोटल मिलकर के पांच आत्माएं बनती हैं। है हाँ, चार सहयोगी आत्मा। बाप आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, मच्छरों से सबको ले जाते हैं। सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं सबको ले कैसी स्टेज में जाएंगे? मच्छर निर्विकारी। हाँ, मच्छरों सदस्य का मतलब जिनकी कोई वैल्यू, जो अपनी वैल्यू को मिट्टी में मिला दे। क्या मान मर्तव्य की जिनको कोई आस न रह जाए कि हमें इस दुनिया का कोई मान मर्तव्य नहीं। जब बाप आया उसी को टट्टी भित्तर ठिक्कर मिट्टी मिट्टी में ठोंक दिया, तो अब हम क्या मान मर्तव्य करें? हम क्या मान मर्तव्य लेंगे इस दुनिया में? परमात्मा की इतनी ग्लानी कर दी तो हमको क्या मान मर्तव्य लेना? तो मच्छरों सदस्य सबको ले जाते हैं, सत्युग में बहुत थोड़े होते हैं। ये सारी ड्रामा में नूद है, शरीर खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो अविनाशी है वो हिसाब किताब चुक तू कर चली जाएगी। क्या कहा? हाँ, आत्मा जो अविनाशी है उसका हिसाब किताब चुक तू हो जाए। किससे किससे हिसाब किताब चुक तू हो जाएगी? जो भी आत्माओं का हिसाब किताब है, 84 जन्मों का हिसाब किताब है या 63 जन्मों का हिसाब किताब है? हिसाब किताब कितने जन्मों का है? 63 जन्मों का है 84 जन्मों का? सभी 84 लेती हैं। चलो हम तो 84 की ही बात करेंगे, 84 जन्म लेने वालों की बात कर रहे हैं, तो उनमें हिसाब किताब कितने जन्मों का? 63 जन्मों का हिसाब किताब है ना। सत्युग त्रेता में तो कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं, बराबर रहता है। तो 63 जन्मों में जो हिसाब किताब बना है, वो ही हिसाब किताब लेने वाले संघ का रंग लेने या लगाने के लिए हमारे सामने संगम युग में आते हैं। अब वो माया रावण के रूप में आए या हमारे सुख देने वाले बाप के रूप में या माता के रूप में आए? क्योंकि माता पिता से जास्ती सुख तो कोई दे नहीं सकता। तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे हिसाब किताब चुक तू करके, तो जास्ती विस्तार में हम क्यों जाएं? बाप आते ही सबको वापस ले जाने।
ऐसे नहीं कि आत्मा आग में पड़ने से पवित्र हो जाएगी। क्या आत्मा तो आग में जाएगी। आत्मा आग में पड़ने से पवित्र हो जाएगी ऐसे नहीं है। आत्मा को याद रूपी योग अग्नि से पवित्र होना है। आग कौन सी है और याद की अग्नि कौन सी है? एक तो है काम अग्नि, रावण काय में जल रहा था, तो काम अग्नि की भी एक याद होती है। उसमें तो ना पवित्र होना है। जो काम अग्नि की याद है तो उसने किसको याद किया? रावण ने राम को याद किया। राम को तो दुश्मन के रूप में याद किया, वास्तव में याद किसको किया? सीता के लिए राम से दुश्मनी ले ली, तो कामाग्नि हुई ना। तो उस कामाग्नि के आधार पर जो याद आई, उसके आधार पर जो याद आएगी उससे तुमको पवित्र नहीं होना है। होना किससे पवित्र? योग अग्नि। योग माने लगन, लगाओ, प्यार, स्नेह। तो योग की अग्नि है ना, लगन की अग्नि। उन्होंने फिर नाटक बैठ बनाई दिए, रामायण महाभारत देवासुर संग्राम, सीता आग से पार हुई। क्या दिखाई दिया? हाँ, कि सीता आग से पार हुई। आग से कोई थोड़ा ही पावन होना है? कि सीता ने किसे किसे क्रॉस किया? स्थूल अग्नि की तो बात ही नहीं है, बाप तो स्थूल बातें करते ही नहीं। कौन सी आग की बात है? काम अग्नि से पार किया, क्रॉस किया, हाँ जीत गई। हाँ, उसके वशीभूत नहीं हुई, आंख उठा के भी नहीं देखा। बाप समझाते हैं, तुम सब सीताएं इस समय पतित हो, कोई एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं हो, सब पार्वतियां हो, हाँ सब द्रौपदियां हो, लेकिन हाँ राधा नहीं का। समझाते हैं, तुम सब सीताएं हो इस समय पतित हो, रावण के राज्य में हो। तीसरा पीठ, जब एक बाप की याद से तुमको पावन बनना है। राम तो एक ही है कि दो चार? अग्नि अक्षर सुनने से समझते हैं आग से पार हुई। तो हाँ, तो कोई न स्थूल अग्नि की बात है, न काम अग्नि की बात है, क्रोध अग्नि की बात है, पार कैसे हुई? हैं? अरे किससे? विषय वैतरण नदी की बात है ना। कहां योग अग्नि और कहां वो अग्नि, कहां काम अग्नि और कहां योग अग्नि, तो क्रास करने की बात है ना। किसको क्रास करना है? विषय वैतरणी नदी को क्रास करने की बात है, बाकी कोई स्थूल आग की बात नहीं है। आत्मा परम पिता परमात्मा से योग रखने से ही प्रतिष्ठे पावन होगी। याद किसको करना है? परम पिता परमात्मा को। रात दिन का फर्क हो गया, हेल में सब सीताएं, रावण की जेल में सुख वाटिका में है। हेल माना है, हेल माना भाड़, जिसमें चबेना भूंजा जाता है, उसमें क्या होती है? रेत, आग, आग ही आग होती है। तो ये दुनिया भी क्या बन जाती है? दिन प्रतिदिन इस दुनिया में गंध ही बढ़ता जाएगा। तो ऐसी स्टेज हो जाएगी जैसे कि भाड़ में चबेना भूंजता रहता है। हेल में सब सीताएं, रावण की जेल में शोक वाटिका में है, यहाँ का सुख तो काग विष्टा के समान है।
इस हेल का सुख क्या होगा? कागविष्ठा के समान। कागविष्ठा क्यों कहा? हंस निष्ठा क्यों नहीं कह दिया? जानवर तो जानवर है, कौआ जो है वो दूसरों की चट्टी खाता है, दूसरों का भोगा भुगाया और उसमें से जो कुछ बचा, बच्चा खुचा सो उसने खा लिया, उसी में अपने को सुखी मानता है कि हमने बड़ी उपलब्धि हो गई। तो इस दुनिया के सुख जो है वो कैसे सुख हैं? काग विष्टा समान है, जो भोगा भुगाया है उसको भोगने वाले को कौआ कहा जाता है। मुंह से काव काव बहुत करता है, खुद भी गंध खाता है, दूसरों को भी बुलाता है, तुम भी आके खा ले। मेहनत की जाती है किससे? कौए से।